हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हबीब। तो आज फिर से नए रेसिपी के साथ। तो आज मैं लवाश मींस रुमाली रोटी, जो कि रशिया में इसे लवाश बोलते हैं, तो आज लवाश से मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगा। तो मैंने दो लवाश ले लिया है और चलिए अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च ले लिया है, एक टमाटर और हल्की सी गाजर बोल रहा हूँ खीरा, और ये हमारा चीज़ है, और कलबासा, और एक प्याज को मैंने हल्की से राउंड शेप में काट लिया है, और दो अंडे हैं और हल्की सी धनिया पत्ती, ये हमारा मायनीज और केचप। तो आइए हम पहले तो बनाते हैं लवाश से पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मायनीज की, तो मायनीज को हम इस पर डाल देते हैं। तो दोस्तों, मायनीज को मैंने इस तरह से डाल दिया, अब इसे फैला लेता हूँ। तो ये एक तरह से रुमाली रोटी ही है दोस्तों, हल्की सी मोटी होती है रुमाली रोटी से। रशिया में ये बहुत यूज़ होती है, कॉमनली यूज़ होती है, शॉर्मा में भी ये यूज़ होती है। तो आज मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, तो ओवन में ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लिए, मींस फैला दिए। तो हमारा दूसरा भी फैल चुका है, अब हम इसमें केचप डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इस तरह से केचप भी डाल दिया है, तो कैंची से हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, सेंटर तक काट लेंगे। तो मैंने एक सेंटर तक कट कर लिया है, इसमें भी सेंटर तक कट मार लेते हैं। कट मारने के बाद हल्की सी नमक हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो दोस्तों, हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, हल्की सी। तो इसका काम हो चुका है, अब हम कलबासा को रखेंगे। तो ये सबको हम रख लेते हैं, याद रखिएगा हमारा ये सेंटर है, हमने यहाँ तक कट कर रखा है, तो सेंटर से हम डिवाइड करेंगे। तो आइए पहले तो हम इसमें सजा लेते हैं, रख लेते हैं सब कुछ। तो दोस्तों देखिए, हम इस तरह से पहले तो कलबासा और प्लस सीड रखेंगे, फिर इधर टमाटर और खीरा रखने के बाद सीड रख दिए, चीज़ रख दिए, फिर उसके बाद अंडे, कैप्सिकम, और फिर उसके बाद चीज़ डाल दिए, प्याज, और उसके ऊपर चीज़ डाल दिए और धनिया पत्ती डाल दिए। वैसा ही इधर भी कलबासा प्लस चीज़ डाल दिए, टमाटर और खीरे के साथ चीज़ डाल दिए, अंडे और कैप्सिकम के साथ चीज़ डाल दिए, और इधर प्याज के साथ चीज़ डाल दिए। तो हल्की सी स्वाद अनुसार नमक हम लेंगे और ऊपर से छिड़क देंगे। सेम हमारा सेकेंड वाला में भी ऐसा ही होगा। तो फिर उसके बाद हम इस पे केचप सभी के ऊपर इस तरह से तो ये पिज़्ज़ा। तो अब हम दोस्तों इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हम कैसे करेंगे, इसके जो हमने सेंटर तक लिया है वहाँ तक इसे फोल्ड करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कैसे इसे फोल्ड करनी है। हमने एक साइड काट रखा था, तो ये सेंटर से हम ये रहा इस साइड गया, और इधर से हमारा ये साइड गया, और इधर से हमारा ये साइड गया।
और हमने ये फोल्ड कर लिया। तो आइए इसे अब हम रख लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से रख लिया है, अब हम इसे ओवन में डाल लेते हैं। तो ओवन में हम 5 से 10 मिनट के बीच में पकाएंगे। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद हमने निकाल लिया है। तो आइए अभी हम इसे काट के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी है, वो भी रुमाली रोटी से, लावाश से। कुछ इस तरह से हमारा लावाश का बना हुआ पिज़्ज़ा है। तो अब हम इसे इसके ऊपर टमाटर केचप डाल देते हैं। और फिर इसे हम खाते हैं। तो कैसा लगा रेसिपी दोस्तों, आप मुझे कमेंट कीजिए बनाकर कैसा लगा। और मेरे जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नया रेसिपी आपके तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।